उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इसमें 100 से ज्यादा शवों की अब तक पहचान भी नहीं हो पाई। इस हादसे के बाद हालात इतने खराब थे कि शवों को सड़ने से बचाने के लिए भुवनेश्वर एम्स समेत कई अस्पतालों में मौजूद शव गृह में रखा गया। इन शवों को डीकम्पोज होने से बचाने के लिए इसकी एम्बॉल्मिंग की जा रही। इस तरह से शवों को सामान्य से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि एम्बॉल्मिंग क्या है और इसे कैसे किया जाता है। शव को सामान से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने यानी कि डीकम्पोज होने से बचाने के लिए एम्बॉल्मिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शव पर खास केमिकल्स का लेप लगाया जाता है। ये काम डॉक्टर्स और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। एनाटॉमी विभाग के विशेषज्ञ शवों पर ऐसे लेप लगाकर इसे प्रोजेक्ट करते हैं। वहीं फॉरेंसिक मेडिसिन टीम पोस्टमार्टम करती है। आसान भाषा में कहें तो शव को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल्स लगाने की प्रोसेस को ही एम्बॉल्मिंग कहा जाता है। बता दें लावारिस शवों को भुवनेश्वर एम्स के अलावा कैपिटल अस्पताल, अमरी अस्पताल और सम अस्पताल में भी रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एम्बॉल्मिंग कैसे की जाती है। शवों पर लेप लगाने की प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही, अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है। भुवनेश्वर एम्स ने एम्बॉल्मिंग के लिए कई बड़ी संख्या में ताबूत, बर्फ और फॉर्मलिन केमिकल खरीदा हुआ। एनाटॉमी विभाग के विशेषज्ञ शव को अच्छे से साफ करने के बाद उस पर फॉर्मलिन केमिकल का लेप लगाते हैं। इसके बाद उसे ताबूत में रखकर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। इससे शव को ज्यादा समय के लिए सुरक्षित हो जाता है। इंसान की मृत्यु के बाद शव में कई तरह से बदलाव होते हैं। मरते समय इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे सांस लेना, आवाज आना, फेफड़े, दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। मरने के तुरंत बाद की स्थिति को पैलर मॉर्टिस कहा जाता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद होने से शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है, आपकी पुतलियां पथरा जाती है, फिर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाने के कारण शरीर का तापमान कम होने लगता है। दूसरे चरण को एल्गोर मॉर्टिस कहा जाता है। इसमें शरीर के ठंडे होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मरने के 1 घंटे बाद मांसपेशियां आकलन से पूरी तरह शरीर को सुझा देती। मरने के 8 से 12 घंटे में खून शरीर के जमीन से लगे हुए हिस्से में जमा होने लगता है। 24 घंटे के भीतर टिश्यू टूटने लगते हैं, शरीर के अंगों में पानी भर जाता है। अब आपको बताते हैं कि शरीर सड़ना कब शुरू होता है। मौत के 24 घंटे बाद बैक्टीरिया और फंगस शरीर के अंदरूनी अंगों को गलाना शुरू कर देते हैं। मरने के 2 दिन बाद शव सड़ना शुरू हो जाता है, शरीर पर फफोले पड़ने लग जाते हैं, शव के मुंह और नाक से खून टपकने लगता है। मरने के 10 दिन में शव की आंखों में मौजूद बैक्टीरिया टिश्यूज को खाना शुरू कर देते हैं। गैस बनने से शव का पेट फूलने लग जाता है और बेहद तीखी बदबू आने लगती है, फिर जीभ लटकने लग जाती है, शव का रंग हरा होने लग जाता है। मौत के 2 हफ्ते बाद बाल, नाखून और दांत अलग होने लग जाते हैं, चमड़ी मूंग की तरह लचकने लगती। 1 महीने बाद चमड़ी या तो पानी की तरह हो जाती है या फिर सूख जाती है। ये लाश के आसपास के मौसम पर भी निर्भर करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स।